हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में और हम कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में असर्शन एंड रीज़न। देखिए, बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ देते हैं लेकिन इनको भी करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही नॉलेजफुल होते हैं। ठीक है, जैसे एक असर्शन दिया होता है, दूसरा उसका रीज़न दिया होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है, सपोज़ उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, असर्शन एक स्टेटमेंट होती है जो स्ट्रॉन्गली बिलीव किया जाता है कि ये ट्रू है। ठीक है, और जो रीज़न दिया होता है वो उससे रिलेटेड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी के बेस पे हमें ऑप्शन मिलेंगे। जैसे दोनों असर्शन और रीज़न सही होती हैं, जो रीज़न होता है उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है सही से, अगर ऑप्शन फर्स्ट माना जाएगा तो। दूसरा ऑप्शन मानेंगे तब जब असर्शन और रीज़न है दोनों सही होंगे लेकिन रीज़न है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन तब देंगे जब असर्शन करेक्ट होगा, मतलब वो स्टेटमेंट तो सही होगी लेकिन वो रीज़न जो उसका दिया होगा वो गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन होगा जो आपका स्टेटमेंट दी हुई है वो इनकरेक्ट होगी और जो रीज़न है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आसान हो जाएगा। हम बार बार इसको देखेंगे कि क्या हमारा सही आंसर बनता है। असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट, ठीक है, आपने इतना ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट है लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम बेगोनिया हेल्प इन वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। ये हमें पता है कि ब्रायोफाइलम की लीव्स जो होती हैं वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करती हैं, लेकिन बेगोनिया का नहीं पता, फिर भी हम मान लेते हैं कि ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स पजेस एडवेंटिशियस रूट्स, तो ये भी सही है। लेकिन ये दोनों किस तरह से रिलेटेड है, मतलब इसने बोला कि इसी के बारे में ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये इसी की एक्सप्लेनेशन है, तो हमें आंसर वन देना है। 46 में मेज इज एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है, और जो रीज़न है एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय इट्स ग्रोइंग एम्ब्रियो। 46 में जो असर्शन है वो तो करेक्ट है, एल्ब्यूमिनस सीड तो है ये, लेकिन रीज़न जो है वो गलत है। ठीक है, एंडोस्पर्म कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय इट्स ग्रोइंग एम्ब्रियो, ये इसका रीज़न नहीं है, ये गलत भी है। तो थ्री ऑप्शन देंगे। एक स्टेटमेंट और है, फ्लावर ऑफ कोरिएंडर इज हाइपोगाइनस, ठीक है, हाइपोगाइनस का नहीं पता अब आपको। देखिए, फ्लावर होता है उसमें पोजीशन जो ओवरी की होती है उसी के बेस पे हाइपोगाइनस पेरीगाइनस इस तरह से नाम देते हैं। हाइपोगाइनस वो होते हैं जिसमें सेपल पेटल स्टैमन जो होते हैं ओवरी से नीचे से इंसर्टेड होते हैं, ठीक है, ओवरी के नीचे इंसर्टेड होते हैं ये वाले पार्ट, तो ये हाइपोगाइनस ठीक है, लेकिन ये कोरिएंडर का केस नहीं है। इस तरह का केस आप लिली फ्लावर में देख सकते हो, ठीक है। हाइपोगाइनस फ्लावर जो होते हैं ओवरी हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, ये भी सही है लेकिन ये गलत है। जब हमारा असर्शन इनकरेक्ट था और रीज़न सही था तब हमें फोर्थ ऑप्शन इसका लिखना था, ठीक है। 48 है, इन साइमोस्टेप रूट सिस्टम ओल्डेस्ट ब्रांचेज लाई वेरी नियर टू ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द रूट। जो ओल्डेस्ट ब्रांचेज होती है, जो बिल्कुल पुरानी होती है, वो टैप रूट सिस्टम के पास आती है, वाइल यंगेस्ट ब्रांचेज इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम इट। जो यंगेस्ट ब्रांचेज होती है वो इससे बहुत दूर होती है। ये तो सही स्टेटमेंट है। अब रीज़न देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। साइमोस्टेप रूट सिस्टम प्राइमरी रूट इटसेल्फ स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर सम टाइम, ठीक कह रहा है, ये जो प्राइमरी रूट सिस्टम होता है वो थोड़े टाइम के बाद खुद ही रुक जाता है, ठीक है। तो ये है 48 का आंसर, 48 में जो है फिर इसका सही बनेगा वन, क्योंकि जो असर्शन है वह करेक्ट है और इन एक्सप्लेनेशन है वो उसकी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। 49 में एल्यूरोन लेयर इज डिप्लॉयड, ये तो सही बात है। रीज़न क्या है, इट सीक्रेट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ये सीक्रेट करती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को, ये लेयर जो होती है एल्यूरोन लेयर, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सीक्रेट तो करती है ताकि ये फूड को यूटिलाइज कर सके, ये भी बात सही है, लेकिन इसका इससे क्या मतलब है कि ये डिप्लॉयड है। तो जब असर्शन और रीज़न दोनों सही हों लेकिन जो रीज़न है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो तो हमें आंसर टू देना है, तो इसका आंसर टू होगा। कस्टर्ड एप्पल इज़ अ टाइप ऑफ इटेरियो ऑफ बेरीज,
इनर लेयर ऑफ पेरिकार्प ऑफ इंडिविजुअल बेरीज ऑफ कस्टर्ड एप्पल इज एडिबल। देखिए दोनों ही सही हैं, ये भी बात सही है, ये कस्टर्ड एप्पल जो होता है ये टेरियोज ऑफ बेरीज टाइप है टेरियो, ठीक है। और ये भी सही है कि इनर लेयर जो पेरिकार्प की होती है इंडिविजुअल बेरी की वो एडिबल होती है, लेकिन इसका इसका मतलब क्या है, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो सही तो है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा टू। ये थे हमारे असर्शन और रीज़न से रिलेटेड क्वेश्चंस, और भी बाकी करेंगे क्वेश्चन आंसर, इसके कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बार बार रिपीट करिए, खुद भी सॉल्व करके देखिए किस तरह से आप कर पाते हो कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।